सलमान खान के धमाकेदार शो बिग बॉस ओटीटी 2 का आगाज हो गया है। सलमान खान के शो में कई नामी गिरामी सितारों की एंट्री हुई है, जिसमें पूजा भट्ट से लेकर फलक नास तक का नाम शामिल है। लेकिन दुख की बात तो यह है कि इन सितारों का नाम विवादों से भी रंगा हुआ है। जी हाँ, जहां फलक नास तुनीशा शर्मा के केस में घसीटी गई थी, तो वहीं आलिया सिद्दीकी नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ अपने रिश्ते के कारण चर्चा में आ गई थी। तो चलिए एक बार नजर डालते हैं बिग बॉस ओटीटी 2 कंटेस्टेंट्स और उनके विवादों पर। पूजा भट्ट कई बार विवादों का हिस्सा रह चुकी हैं। उनकी और महेश भट्ट की एक फोटो वायरल हुई थी, जिसमें वो दोनों लिप लॉक करते हुए दिखाई दे रहे थे। इस फोटो ने बवाल मचा कर रख दिया था। इसके अलावा पूजा भट्ट अपनी शराब की लत के कारण भी चर्चा में रही हैं। फलक नास का नाम तुनीशा शर्मा खुदकुशी केस में घसीटा गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फलक नास को तुनीशा शर्मा से जुड़े मामले में हिरासत में भी लिया गया था। आकांक्षा पुरी पारस छाबड़ा के साथ रिलेशनशिप के कारण चर्चा में आई थी, और साल 2022 में उन्होंने मीका के स्वयंवर में भी हिस्सा लिया था। मीका ने आकांक्षा को माला पहनाकर उन्हें अपनी दुल्हन भी चुना था, लेकिन बाद में दोनों ने शादी करने से इनकार कर दिया और एक दूसरे को अपना सिर्फ और सिर्फ दोस्त बताया। पलक पुरस्वानी का नाम यूं तो किसी बड़े विवाद में नहीं आया है, लेकिन वो अविनाश सचदेवा के साथ रिलेशनशिप के कारण चर्चा में रही थी। हालांकि उनका और अविनाश का जो रिलेशनशिप था वो ज्यादा दिनों तक नहीं चला। आलिया सिद्दीकी नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ अपने रिश्ते को लेकर चर्चा में थी। आलिया सिद्दीकी ने नवाजुद्दीन सिद्दीकी पर रेप तक का आरोप लगाया था, और इसके साथ ही साथ आलिया का आरोप ये भी था कि नवाजुद्दीन उनसे उनके बच्चों तक को छीनना चाहते थे। अंजलि अरोड़ा लॉकअप के दौरान काफी चर्चा में रही। उन्होंने कथित रूप से मुनव्वर फारूकी को आई लव यू कहा था। इसके बाद अंजलि अरोड़ा का MMS भी लीक हुआ था, जिसके लिए वो निशाने पर आ गई थी। जिया शंकर टीवी की मशहूर एक्ट्रेस हैं। उन्होंने हितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूजा के साथ वेद में भी काम किया था, लेकिन एक्ट्रेस को पोस्टर के साथ साथ प्रमोशन से भी बाहर निकाल दिया गया था, जिससे वो काफी दुखी हुई थी। बिग बॉस OTT2 कंटेस्टेंट्स के बारे में ये जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। बिग बॉस OTT2 सीजन 2 की हर खबर से अपडेट रहने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।